जमीन के जाल में आखिरकार कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के जीजा जी उलझ ही गए। सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। हरियाणा सरकार ने हरी झंडी दे दी है और अब गुरुग्राम पुलिस वाड्रा की लैंड डील की फाइल खोलेगी। गुरुग्राम के शिकोहपुर में हुई लैंड डील में अनियमितता को लेकर गुरुग्राम पुलिस ने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ सितंबर में ही केस दर्ज कर लिया था। इस मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया था। हुड्डा पर जमीन सौदे में वाड्रा को फायदा पहुंचाने का आरोप था। वाड्रा और हुड्डा पर केस तो पुलिस ने दर्ज कर लिया था, लेकिन फाइल खोल नहीं पा रही थी। चूंकि इस केस में पूर्व सीएम का भी नाम था, इसलिए जांच करने के लिए पुलिस को सरकार से इजाजत लेना जरूरी था। गुरुग्राम पुलिस ने इस बाबत डीजीपी को पत्र लिखा, जिसके बाद सरकार से जांच के लिए मंजूरी मांगी गई। वाड्रा की लैंड डील को मुद्दा बनाकर हरियाणा की सत्ता में आई बीजेपी सरकार ने जांच की इजाजत देने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई, जिसके बाद गुरुग्राम पुलिस अब जमीन सौदे की परतें खोल सकती है। रॉबर्ट वाड्रा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था, जिसकी जांच करने के लिए सरकार से अप्रूवल मांगी गई थी। अप्रूवल आ गई है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। वाड्रा और हुड्डा के खिलाफ पुलिस जांच की इजाजत की टाइमिंग पर सियासी सवाल खड़े हो गए। जहां कांग्रेस इसे चुनावी शिगुफा बता रही है और बदले की कार्रवाई मान रही है, वहीं बीजेपी का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है, जिसने गलत किया है उसे तो भुगतना ही पड़ेगा। कोई मतलब मामला ही नहीं है सरकार का, रॉबर्ट वाड्रा जी को मामला ही नहीं है कोई। हमने एक जमीन दी नहीं किसी को, तो ये तो एक प्राइवेट कंप्लेंट करा के सरकार का उसके पीछे हाथ है, सिर्फ बदनाम करने के प्रयास कर रहे हैं। जमीन के मामले में जो स्कैम हुआ है, उस पर कानून काम कर रहा है और अदालत के आदेश के बाद काम हो रहा है। सियासत अपनी जगह है, लेकिन जिस शिकोहपुर जमीन सौदे को लेकर रॉबर्ट वाड्रा पर शिकंजा कसा है, उसमें वाड्रा ने खूब वारे न्यारे किए हैं। वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने शिकोहपुर में 3.5 एकड़ जमीन ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज से 7.5 करोड़ रुपए में खरीदी थी। बाद में कमर्शियल लाइसेंस मिलने पर इस जमीन को डीएलएफ को 58 करोड़ रुपए में बेच दिया गया। आरोप है कि न तो ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज ने स्काईलाइट के खाते में पैसा जमा करवाया, न ही स्काईलाइट ने स्टाम्प ड्यूटी के रूप में सरकार को राजस्व दिया। साथ ही नियमों को ताक पर रखकर जमीन के लिए कमर्शियल लाइसेंस भी दे दिया गया। ये सब गड़बड़ झाला जब हुआ, तब हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। 1 सितंबर को हरियाणा के नूह के रहने वाले सुरेंद्र शर्मा नाम के शख्स ने खिड़की दौला थाने में वाड्रा और हुड्डा के साथ साथ डीएलएफ और ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज के खिलाफ केस दर्ज करवाया था और अब 2019 के चुनाव से ठीक पहले वाड्रा के खिलाफ शिकंजा कस गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।